नमस्कार साथियों, सी बी बिकल आई टी आई गुरु में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश आई टी आई की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिनको लग रहा है कि चॉइस फिलिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खुद आकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हुआ होगा, यानी कोई गलती हुई होगी, कोई त्रुटि हुआ होगा, कोई मिस्टेक हुआ होगा, तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी सूचना अपडेट हो गई है। दोस्तों, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि प्रथम चरण के लिए इच्छित संस्थाओं और व्यवसायों का क्रम चयन यानी चॉइस फिलिंग प्रारंभ हो गया है। इसकी अंतिम तिथि जो है वो 10 जून 2024 तक है। तो 10 जून तक इसकी लास्ट डेट है, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपका डैशबोर्ड ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ सर्वर प्रॉब्लम होगा इसलिए ओपन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ट्राई करते रहिए, ओपन हो जाएगा। फिलहाल जो आपको बताते हैं कि कैसे जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें करेक्शन की, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो नोटिस है, इसमें बताया गया है कि कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें कहा गया रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं अगर उसमें कोई गलती हुआ तो उसको सुधार कर सकते हैं। यदि किसी आवेदक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि है, तो आवेदक है वो लॉगिन करके जानकारी में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि दसवें की अंक सूची अनुसार समग्र आईडी और कहा गया आधार कार्ड में जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अपडेट करवाएं। जो भी आपके अगर फॉर्म में या फिर जो है आधार कार्ड में या फिर समग्र आईडी में कोई दिक्कत है, आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप उसे जो है अपडेट करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि सुधार के लिए जो है प्रक्रिया पोर्टल पर उपलब्ध जो ट्यूटोरियल दिया गया उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है आपको यहाँ पर जो है लॉगिन करना होगा, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के जब आप ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद जो है आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, जो भी गलतियां हैं आप उसे सुधार कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।